एक समय की बात है, नारद मुनि संसार का भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि हर एक व्यक्ति बहुत दुखी है। सभी जीवात्माओं को दुखी देखकर उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ और उस कष्ट के निवारण हेतु वे परम भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। Thank you.
जब वे सब हड़ताल पर चले गए और पेट को भोजन नहीं मिला तो धीरे धीरे टांगे दुर्बल होने लगी, वे कांपना शुरू हो गए। हाथों ने कार्य करने की सारी शक्ति और ऊर्जा खो दी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, वे घूमने लगे। सारी शक्ति पेट को भोजन कर दो। यदि हम पेट की सहायता नहीं करेंगे तो हमें केवल दुख ही उठाना पड़ेगा। जब शरीर के सभी अंगों ने मिलकर पेट को भोजन की पूर्ति करने में एक दूसरे की सहायता की तो संपूर्ण शरीर पोषित हो गया। मैं पेट हूँ, मुझमें भोजन जाता है तभी सभी इंद्रियां स्वस्थ रह सकती हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और मांस को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं, इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। पहला कदम इस बात को स्वीकार करना है कि सभी वस्तुएं भगवान की है, सभी वस्तुओं में भगवान का स्वामित्व तथा नियंत्रण है, हम उनके संतान हैं। यदि उनके द्वारा दी गई चीजों का शोषण हम केवल अपने आनंद के लिए करेंगे तो वह चीज हमारे कष्टों का कारण बनेगी। Krishna, 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 Krish